115। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 नंबर का है। देखो दो जगह ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ए और बी के बीच की दूरी दी हुई है 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। मोहित ए से सुबह 8:24 में चलना शुरू करता है और एक घंटे बाद रोहित ए से चलना शुरू करता है। एक घंटा चलने के बाद वह शहर सी पहुंच जाता है जहां से मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। शहर सी ए और बी के बीच में पड़ता है। अगर वे शहर बी एक ही समय पर पहुंचे तो उनकी चाल ज्ञात करें। देखो यहां पर ध्यान से, चाल ज्ञात करें, उनकी चाल ज्ञात करें, कुछ नहीं है। देखो यहां पर ध्यान से, ए और बी के बीच में कहीं पे पक्का बीच में नहीं है, ठीक बीच में बोलता तो है ना, कहीं पे भी सी है। हम लोग ऐसा करते हैं, ये सी मान लेते हैं, सी पॉइंट। पहले कौन चला? मोहित। मोहित चला 8:24 पे। कितना मिनट पे? 8:24 पे। और एक घंटा चलने के बाद सी पर पहुंच गया 9:24 पे। 9:24 पे जहाँ से मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है, नहीं, एक घंटे बाद रोहित ए से चलना शुरू किया। रोहित एक घंटे बाद चलना शुरू किया यानी 9:24 पे, ठीक है। अब क्या बोला कि मोहित यहाँ से यहाँ पे पहुँचा। दो जगह ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। कितना? 300। मोहित ए से सुबह 8:24 में चला, पहले मोहित चला एम, ठीक है, और एक घंटे बाद रोहित चला 9:24 पे, ठीक है। वह शहर सी पहुंच जाता है, तो किसके बारे में बात किया? रोहित के बारे में। रोहित पहुंचा शहर सी जहां से इसको पता चला मोहित 40 मिनट पहले पहुंच, यहां से क्रॉस किया, 40 मिनट पहले क्रॉस किया, कोई बात नहीं, रहने दो इसको। शहर सी ए और बी के ठीक बीच में है, अगर वे एक ही समय में बी पर पहुंचते हैं, बी पर एक ही समय पहुंचे तो उनकी चाल ज्ञात करें। ये शहर सी देकर के तुमको बुड़बक बना दिया। शहर सी देकर के बुड़बक क्या बनाया कि जब एक ही समय में पहुंचा, कितना समय में पहुंचा? एक ही समय में पहुंचा तो सीधा सा बात है कि इस डिस्टेंस को तय करने में रोहित को एक घंटा कम लगा। सिंपल सा बात है ना, एक घंटा कम लगा। अब शहर सी जो है, शहर सी का हम लोग यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो एक घंटा बाद ये पहुंचा 10:24 पे, 10:24 पे, और इससे 40 मिनट पहले रोहित निकल चुका था। कितना मिनट पहले? तो ध्यान से देखना, इससे 40 मिनट घटा दो, 10:24 से 40 मिनट घटा दोगे 9:44 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? तो 9:44 हो जाएगा। या ऐसे भी तुम कर सकते हो कि यहाँ से एक घंटा 2 घंटा, और उस 2 घंटा में 40 मिनट ये पहले पहुँचा, तो 1 घंटा 20 मिनट लगा इसको, तो 1 घंटा 20 मिनट यहीं से जोड़ दो। जोड़ दिए। अब सेम डिस्टेंस ए से सी तक मोहित को जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। बोलो। जबकि रोहित को जाने में 60 मिनट, 1 घंटा लगा तो 60 मिनट लगा। तो सेम डिस्टेंस क्रॉस करने में टाइम दिया हुआ 80 मिनट, सेम डिस्टेंस क्रॉस करने में रोहित का टाइम दिया हुआ 60 मिनट, तो जो इसका स्पीड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 20 दिया 60, 20 चौका 80। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ से देखो, स्पीड इसका 3 दे दिया और इसका स्पीड क्या दे दिया? 4 दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक्स भी मान के बना सकते हैं, बिना एक्स भी मान के बनाया जा सकता है। इसको समझना ध्यान से, इसका स्पीड पता चल गया 3, इसका स्पीड पता चल गया 4। अब हम लोग थोड़ा और इसको घुमा देते हैं, एक बार फिर देखो, फिर 4-3 कर दो, कर दिए ना। स्पीड इसका क्या पता चला? 3-4। स्पीड इसका क्या पता चला? और जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम लोग तो अभी तक ए और सी के बारे में बात कर रहे थे ना, 80 मिनट 60 मिनट। अब हम बात करते हैं ए और बी के बारे में। किसके बारे में? तो ए और बी के बारे में, अगर स्पीड मोहित का 3 है, स्पीड रोहित का 4 है, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है दोनों के लिए कांस्टेंट, और जब दोनों के लिए कांस्टेंट तो टाइम क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? 8:24 में चला था, ये 9:24 में चला, एक ही समय में पहुंचा, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 घंटा, दोनों के टाइम का डिफरेंस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, 1 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर 3 घंटा, और 4 यूनिट बराबर, कोई दिक्कत अभी तक?
नहीं ना, मोहित का स्पीड निकालते, स्पीड ऑफ मोहित। तो टोटल है 300 किलोमीटर, टोटल कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। जाने में मोहित को लगा 4 घंटा, मोहित को कितना घंटा? तो 4 से डिवाइड कर दिए तो 75 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ रोहित निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, जाने में लगा 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 घंटा लगा जाने में, इसका स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का स्पीड निकल गया क्या? तो बिना x माने ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, x भी मान करके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, 300/3x, 300/4x, और दोनों का डिफरेंस 1 घंटा हो जाएगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन वो नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं। बोलो आगे सबको समझ में? yes. उतारो अभी इसको। क्या टाइम? 10:24 पे ये पहुंचा 1 घंटा बाद, और ये 40 मिनट पहले पहुंच गया था। तो 40 मिनट पहले पहुंच गया था, तो ध्यान से सुनो, 1 घंटा या 40 मिनट इसमें से घटा दो, 10:24 में से 40 मिनट घटा दिए तो 9:44। मोहित चला था 8:24 में, सी पे पहुंचा 9:44 में, तो 8:24 से 9:44 80 मिनट नहीं होगा, जोड़ के देखो ना, 8:24 से 9:24 1 घंटा 60 मिनट और 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो मोहित कितना मिनट चला? 80 मिनट। इस डिस्टेंस को तय करने में मोहित को 80 मिनट और इस डिस्टेंस को तय करने में रोहित को 60 मिनट। बस 116 नंबर का देखो, एक लड़का अपने घर से एक निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लड़के से मिलती हुई अपने निश्चित समय पर घर से चला था, वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते। लड़के का चाल ज्ञात करें। ध्यान से देखो, ये लड़के का घर है और ये लड़की का ऑफिस है। ये घर है और ये क्या है? ऑफिस है लड़की का। तो प्रत्येक दिन लड़का क्या करता है? यहाँ से चलता है, घर से चलता है और इसके ऑफिस पहुँच जाता है। और ऐसा ऑफिस पहुँचता है कि ये लड़की को 5 बजे छुट्टी होता है ऑफिस से। कितने बजे? 5 बजे। यहाँ से रिसीव किया और घर लेके पहुँच गया, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ से 5 बजे पक्का लड़का पहुँच जाता होगा, लड़की को छुट्टी जितना बजे होगा उतने बजे पहुँचता होगा। मैनेज कैसे करता होगा वो बाद का बात है ना। 5 बजे से लेके फिर यहाँ पे घर पहुँच जाता है, पहुँच गया। हुआ क्या, एक दिन लड़की का तबीयत ख़राब हो गया होगा, 3 बजे छुट्टी ले ली। कितना बजे छुट्टी ले ली? 3 बजे। कितना बजे? तो ये 3 बजे चल दी, जबकि इस लड़की का स्पीड भी दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू की। लड़का जो है, लड़का तो अपने टाइम से निकला होगा बेचारा, उसको थोड़ी पता है कि चल दी 3 बजे। हुआ क्या, देखो क्वेश्चन पे गौर करो। बोला क्या कि ए, वो लड़का जो है अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था, ठीक है, वे 40 मिनट घर जल्दी पहुंच जाते हैं। कितने मिनट घर जल्दी पहुंच जाते हैं? 40 मिनट। तो 40 मिनट घर जल्दी कैसे पहुंचा होगा? ये लड़का देखो चल रहा है यहाँ तक पहुँचा। हो सकता है कि इस डिस्टेंस को तय करने में लड़का को 20 मिनट लगता हो, कितना मिनट, और इसी डिस्टेंस को तय करने में फिर लड़का को 20 मिनट लगेगा। बोलो, यहाँ से इसके ऑफिस तक जाने में 20 मिनट, यहाँ से 20 मिनट, तभी 40 मिनट बचेगा ना। अगर बोलता 80 मिनट बच जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 40 मिनट, ये डिस्टेंस 40 मिनट, अभी 40 मिनट बचा, तो 20 मिनट लड़का का इधर से बच गया होगा और 20 मिनट इतना दूर, तो इसका मतलब लड़की यहाँ पे पहुँच चुकी होगी, लड़की इस जगह पे पहुँच चुकी होगी, ऐसे कर देते हैं। समझ रहे हो क्या? लड़की इस जगह पे पहुँच चुकी होगी और लड़का जो है, लड़का इस जगह पे पहुँचा होगा, तभी यहाँ से रिसीव किया और लड़का को 20 मिनट जाने में, 20 मिनट आने में टाइम बच गया 40 मिनट, तो लड़का जल्दी घर पहुँच गया होगा 40 मिनट। बोलो, अब यहीं पे तो काम है, यहीं पे काम है किसका? देखो, लड़का को 20 मिनट का टाइम बचा, लड़का 5 बजे यहाँ पे पहुँचता। बोलो, लड़का कितने बजे पहुँचता? तो 20 मिनट पहले लड़का यहाँ पहुँच चुका था, तो 20 मिनट यहाँ पर लड़का बचाया, तो इसका मतलब 5 बजे से 20 मिनट पहले ही लड़का यहाँ पे पहुँच जाता होगा, और लड़की जो 3 बजे चली थी वो यहाँ पे इसको रिसीव करेगा,
लड़का रिसीव करेगा ना लड़की को, तो लड़की के घड़ी में भी कितना बज रहा होगा, 4:40। लड़का के घड़ी में भी कितना बज रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि ये 40 मिनट के बाद 3:40 हो रहा होगा इसके, या 3:20 हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों में तो टाइम समान हो रहेगा। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस हो गया कॉन्स्टेंट, ये डिस्टेंस क्या हो गया कॉन्स्टेंट, और इस डिस्टेंस को तय करने में लड़का को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 20 मिनट का। कितना मिनट का, लड़का को इस डिस्टेंस को तय करने में कितना मिनट का टाइम लगा, 20 मिनट का, और लड़की को 1 घंटा 40 मिनट का, 100 मिनट का, 1 घंटा 40 मिनट का, यानी 100 मिनट का। तो स्पीड क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 5:1। लड़की का स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लड़का का स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर का। रवि बाहर रहता है, वो रोजाना के सामान्य समय से पहले अपने घर से आने के लिए रेलगाड़ी में सवार होता है। रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती है, किंतु रवि अपने पत्नी से रास्ते में मिलने के लिए स्टेशन से पैदल चलता है। वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कार एक समान चाल से चलती है, जिसकी चाल रवि की पैदल चाल से 5 गुनी है। रवि को ठीक 6 बजे अपने घर पर पहुँच जाता है। यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता तो ज्ञात कीजिए रवि कितने बजे घर पहुंच जाएगा। तो स्पीड जो है, कार का जो स्पीड है, हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड इसके वाइफ का स्पीड लिख लेते हैं क्या, और इसके हस्बैंड का स्पीड लिख लेते हैं, या रवि का स्पीड लिख लेते हैं। तो रवि के वाइफ का जो स्पीड है, मतलब कार से चल रही है, तो इसका स्पीड 5 गुना है किससे, रवि के स्पीड से। तो स्पीड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, स्पीड रेशियो दिया हुआ स्पीड का। अब ध्यान से सुनो, इस डिस्टेंस को तय करने में रवि की वाइफ यहाँ से चली, रवि को स्टेशन पे रिसीव करती है, 6 मिनट इसको यहाँ से टाइम लगेगा स्टेशन पे पहुँचने में किसी जगह पर से, और इसी जगह को उल्टा अगर देखेगी तो 6 मिनट और, तो 6 6 12 मिनट इसका बच गया, 12 मिनट बच गया। हमको सिर्फ ये पता करना है कि रवि कितना दूर ये चलता है। तो रवि का अगर इसके वाइफ का को टाइम लगता है 6 मिनट का, तो रवि को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 30 मिनट का। कितना मिनट का, 30 मिनट का लगेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बोलो ये समझ में आ रहा है ना, 30 मिनट, क्योंकि इसका 5 गुना है, तो ये 6 मिनट तो इसको 30 मिनट। बोला रवि को प्लान के बारे में पहले पता रहता, रवि के प्लान के बारे में इसको पहले पता रहता, तो ये जो 30 मिनट चल रहा है, ये 30 मिनट चलता क्या, तो यहाँ पे तो उसकी वाइफ पहले ही कार लेकर के पहुँची रहती, तो 6 मिनट पहले ही पहुँची रहती। कितना मिनट, 6 मिनट तो यहाँ से लगता ना, ये टोटल 12 मिनट बचा रहा है। कितना मिनट, तो 12 मिनट, तो ये 6 मिनट पहले ही पहुँची रहती, और इसको जो 30 मिनट लगने वाला है वो 30 मिनट लगता नहीं, तो 6 मिनट पहले ही पहुंच रही होती। तो इसका मतलब क्या है कि 30 में से अगर 6 को हम लोग हटा देंगे तो इसको 24 मिनट चलने का जरूरत नहीं है, 24 मिनट तो बचता ना, और 24 मिनट जैसे ही बचता तो 6 बजे से 24 मिनट को घटा देते तो इसका आंसर हो जाएगा 5:36। फिर से देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये कार से पहुंची, इस डिस्टेंस को तय करने में, हो सकता है किसी डिस्टेंस से स्टेशन और स्टेशन से सेम इसी डिस्टेंस को बचाने में इसको 12 मिनट का टाइम लग रहा है, तभी 12 मिनट पहले घर पहुंच जाता। तो पहले पता कर लेते कि इस डिस्टेंस से स्टेशन पे जाने में कितना, तो आधा यानी 6 मिनट, और इसके पति को क्या स्पीड से लग रहा होगा, 30 मिनट, क्योंकि इसका स्पीड 1/5 है, तो टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी 5 गुना हो जाएगा। तो रवि का स्पीड, रवि को जो इस डिस्टेंस को तय करने में लगेगा वो 30 मिनट लगेगा ना, और बोला क्या क्वेश्चन में, क्या बोला, इसको 6 मिनट तो चलने का जरूरत नहीं पड़ा, इधर से 6 मिनट चलने का जरूरत नहीं पड़ा ना, बोलो जल्दी, 6 मिनट चलने का जरूरत नहीं पहुंचा पड़ा, तो ये 6 मिनट पहले ही पहुंच जाती, और 6 मिनट जैसे ही पहले पहुंच जाती तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो 30 मिनट लग रहा है वो 30 मिनट नहीं लगता, 6 मिनट भी नहीं लगता, सीधा उठाती और लेके चली जाती। तो यहाँ से इसका 30 मिनट 6 मिनट बचा देगा, तो 6 मिनट अगर हम लोग 30 मिनट में से घटा देते हैं तो बच गया 24, और 6 बजे से 24 मिनट पहले पहुंचती, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:36। देखो 118 नंबर का क्वेश्चन। एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कार्यालय चलना आरंभ करता है, जो कि 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 5 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने कुछ जरूरी कागजात भूल जाता है, वापस अपने घर जाता है, और फिर अपनी पूर्व चाल से अधिक चाल से
चलना आरंभ करता और कार्यालय समय पे पहुंच जाता, बढ़ी हुई चाल ज्ञात करें। अभी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, देखो इसको यहाँ पर क्या है, ये बहुत आसान है क्योंकि घर से अपना चाल बढ़ाया, अपना स्पीड कहाँ से बढ़ाया, घर से बढ़ाया, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पर बढ़ा दिया, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, देखो यहाँ से 8 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलाइए 4 किलोमीटर पर आवर से, पहुँच जाना चाहिए था इसको 2 घंटे में, पहुँच जाना चाहिए था 2 घंटे में। 5 मिनट जब ये चल चुका तब इसको ज्ञात होता है, तो फिर उसी स्पीड से आता बेचारा 5 मिनट, तो इसका 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद हो गया। तो जब जो समय बचा 2 घंटा में से 10 मिनट को माइनस करेंगे तो 1 घंटा 50 मिनट बचेगा, तो 1 घंटा 50 मिनट को आवर में चेंज कर सकते हो 6 5, देखो 50/60 करेंगे तो 11/6 मिनट हो जाएगा क्या, सॉरी 11/6 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा 50/60 का मतलब 5/6, तो 1 घंटा + 5/6 = 11/6 घंटा, और इसी 11/6 घंटा में इसको फिर से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना, कितना किलोमीटर का, क्योंकि स्पीड अपने घर से बढ़ाया, यहाँ से नहीं बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाता तो पता करना पड़ता कि 5 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, ये सब पता करते तब क्वेश्चन सॉल्व होता। चलो छोड़ो, अभी स्पीड आ जाते हैं, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 8/11/6, तो 8 × 6 = 48/11 किलोमीटर/आवर आंसर, 11 × 4 = 44, 4 × 4 = 11 किलोमीटर/आवर आंसर हो जाएगा। 119 का रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं, यहां रोहित है और मोहित है, ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं एक ही समय, बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं, तो बी पे पहुंचने के बाद तुरंत वे ए के लिए मुड़ जाते हैं, ठीक है, और वे पहली बार 20 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, उनके चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करो अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो मान के चलते कि रोहित तेज चलता है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि रोहित चल रहा तेज या मोहित चल रहा तेज, तो रोहित चला यहाँ पे पहुँचा और बी से 15 किलोमीटर दूरी पे आकर के मिल गया, ऐसा क्वेश्चन बता चुके पहले, तो मोहित जो है वो 45 किलोमीटर तय करेगा, टोटल है 60 किलोमीटर, 60 में से 15 घटाएंगे तो मोहित कितना किलोमीटर तय करेगा, मोहित करेगा 45 किलोमीटर तय, जबकि रोहित करेगा 60 + 15 = 75 किलोमीटर तय करेगा, और टाइम दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जब टाइम होता है कांस्टेंट, जब टाइम होता है कांस्टेंट तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ, देख लो डिस्टेंस रोहित का और मोहित का, तो रोहित चलता है 75 किलोमीटर और मोहित चलता है 45 किलोमीटर, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो दोनों का स्पीड का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ 60 किलोमीटर/आवर है, बोलो है ना, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, दो यूनिट बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर/आवर होगा क्या, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर/आवर, तो जैसे 1 = 30 आया तो 5 = क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर/आवर, तो जो तेज चल रहा है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर/आवर, जो धीमे चल रहा है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर/आवर, आ रहा समझ में, उतारो। 120 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक सुरंग ए और बी की ओर जा रही है, सुरंग के अंदर ए बी के 2/5 भाग पर दूरी पर एक बिल्ली बैठी हुई है, जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी और बिल्ली ए की तरफ भागने की सोचती है, तो ट्रेन बिल्ली को ए बिंदु पर पकड़ती है, अगर बिल्ली बी की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को बी बिंदु पर पकड़ती है, तो ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात करें। देखो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ट्रेन है एक, ठीक है, और ये एक सुरंग है, गुफा है ए और बी, ठीक है, इतना दूर, और क्वेश्चन में चूंकि बोला है कि 2/5 भाग पे बैठती है, इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग इसको 5 भाग में बांट देते, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, बोला है क्या, अब यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, यहाँ पर ट्रेन जो है, ट्रेन हम लोग मान के चलते हैं कि ए से डी डिस्टेंस की दूरी पर है, ट्रेन ए से डी डिस्टेंस की दूरी पर है, ध्यान से देखना, तो ट्रेन का हॉर्न बजा
तो बिल्ली भागी, बिल्ली यहाँ बैठी हुई थी, तो ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन जब ए पे पहुँचेगा और बिल्ली अगर ए की तरफ भागना शुरू करी तो बिल्ली को ए पे पकड़ लेगा, तो दोनों के लिए टाइम कॉन्स्टेंट हुआ, बोलो हुआ क्या? तो जब दोनों के लिए टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होगा, बोलो होगा क्या? तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये देखो ट्रेन कितना डिस्टेंस तय किया डी, और बिल्ली कितना डिस्टेंस, अगर हम इसको एक 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 मान ले तो बिल्ली कितना डिस्टेंस तय की दो, तो डी बाई टू, टाइम कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो ठीक। अब क्या बोल रहा है कि अगर यही ट्रेन बी पर आ जाए और बिल्ली बी की तरफ भागना शुरू करे, अगर ए की तरफ भागना शुरू करे तो ए पे पकड़ाएगा, और बिल्ली अगर बी की तरफ भागना शुरू करे तो ये जो ट्रेन है वो बी पे पकड़ लेगा बिल्ली को, तो ये ट्रेन कितना टोटल डिस्टेंस तय करेगा, डी प्लस एक दो तीन चार पाँच, बोलो, और उतना ही समय में बिल्ली कितना डिस्टेंस तय करेगा तीन, दोनों के लिए टाइम कॉन्स्टेंट है तो इस टाइम में भी डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, और ये जो रेशियो होगा वो इस रेशियो के बराबर होगा, बोलो होगा क्या दोनों ही कंडीशन में। अब इसको दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, 3D बराबर 2D प्लस 10, तो D बराबर क्या हो जाएगा 10, बोलो होगा क्या, तो D बराबर 10 क्या आ गया, और इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो कहीं पे भी D बाई 2 में रख के देख लो आंसर आ जाएगा, तो D रेशियो 2, यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बिल्ली के, है ना, तो डी हमारा आया हुआ क्या है 10 और यहाँ पर है 2, तो रेशियो इसका हो जाएगा 5:1, बोलो होगा क्या, तो आंसर आ गया 5:1। सलमान अक्षय और कैटरीना 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, अक्षय और कैटरीना कार से जाते हैं, सलमान तांगे से जाता है, कुछ समय बाद कैटरीना ने अक्षय को कार से नीचे उतार दिया, अक्षय ने साइकिल से चलना शुरू किया और कैटरीना सलमान को लेने वापस मुड़ गई, अंततः वे मुंबई एक ही समय पर पहुँचे। अगर कार का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और तांगे और साइकिल का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो यात्रा में कुल समय क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, दिल्ली से मुंबई की तरफ चलना शुरू किया, देखो ध्यान से, ये है दिल्ली और ये है मुंबई, यहाँ तक चलना शुरू किया, कौन कौन चला, तो पहले चला सलमान, अक्षय और कैटरीना, ठीक है, या पहले हम कैटरीना लिख लेते हैं अक्षय, ये तीनों जो है चलना शुरू किया, ध्यान से देखना, तो पहले कैटरीना और अक्षय दोनों एक साथ चला कार से, किससे, कार, तो किसी डिस्टेंस तक गया दोनों एक साथ, ठीक है, किसी डिस्टेंस तक दोनों गया एक साथ कार से गया, और यहाँ से अक्षय कुमार को नीचे उतारा तो ये साइकिल से जाना शुरू किया, अब साइकिल से जाना शुरू किया तो ये चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं, कैटरीना जब अक्षय कुमार को उतारा तो फिर यहाँ से ये वापस मुड़ी, ठीक है, और किसी डिस्टेंस पे सलमान खान तो चल ही रहा है, ये तांगा से जा रहा है ना, तो किसी जगह पे इसको मिला होगा, तो अब जैसे ही मिला तो फिर यहाँ से ये कार से इसको बैठाया, कार से, कार पे तांगा से उतार के, और यहाँ से फिर डायरेक्ट मुंबई पहुँच गई, और बोला क्या जा रहा है कि तीनों एक ही समय पर मुंबई पहुँचे हैं, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो बताइए कुल समय क्या लगा, ध्यान से इसको देखना तभी समझ में आएगा, तीन तरह का डिस्टेंस दिख रहा है, देखो एक डिस्टेंस ये दिख रहा है, एक डिस्टेंस ये दिख रहा है ना, एक डिस्टेंस ये दिख रहा और एक डिस्टेंस ये दिख रहा, तीन डिस्टेंस है, हम तीन डिस्टेंस क्यों लिए, देखो सलमान खान यहाँ तक आया और यहाँ से कार पे बैठ करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, अक्षय कुमार यहाँ से कार तक आया और यहाँ से साइकिल से डायरेक्ट पहुँच गया, सिर्फ कैटरीना यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस भी आई, यहाँ से यहाँ तक गई वापस आई और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गई, ऐसा, तो ध्यान से सुनना, हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इस डिस्टेंस को मान लेते ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, इस डिस्टेंस को मान लेते बी और इस डिस्टेंस को मान लेते सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1200 किलोमीटर हो जाएगा, बोलो होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 1200 किलोमीटर, बोलो होगा क्या, अब ध्यान से देखना, सलमान यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तब तक में कैटरीना
यहाँ से यहाँ तक पहुँची और फिर यहाँ पहुँची, टाइम कांस्टेंट बोलो। तो टाइम कांस्टेंट ध्यान से देखना, सलमान और कैटरीना, टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है। तो सलमान कितना डिस्टेंस तय किया, ए, और कैटरीना कितना डिस्टेंस तय की, ए प्लस बी प्लस बी, तो ए प्लस टू बी। बोलो कुछ आ रहा समझ में, ए प्लस टू बी, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो अक्षय जो है, अक्षय इस डिस्टेंस से लेकर के इस डिस्टेंस को तय किया, तो अक्षय जो है अगर इस डिस्टेंस को जितना देर में तय किया उतना देर में कैटरीना इस डिस्टेंस को पीछे आई और फिर इस डिस्टेंस से यहाँ पे और फिर यहाँ पे चली गई, टाइम कांस्टेंट समझ रहे हो ना। अक्षय को जब उतारा था तभी तो दोनों एक साथ था, तो अक्षय जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा कैटरीना तब तक मैं इधर आई, सलमान को वापस ली और फिर यहाँ पे पहुँची, यानी बी को दो बार आई, बी प्लस सी, सेम टाइम में पहुँची। तो इसका मतलब तब तक मैं कैटरीना जो है टू बी प्लस सी और अक्षय कुमार सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, तो यही रेशियो हो जाएगा इसके स्पीड का। अब सलमान जा रहा था तांगे से, तो इसका स्पीड क्या था, 10 किलोमीटर पर आवर तांगा का स्पीड, और कैटरीना जा रही थी कार से, तो इसका स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत है अभी तक इसमें। अक्षय जा रहा था साइकिल से, सी डिस्टेंस गया, तो ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, और कैटरीना जा रही थी 50 से, तो 50 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत अभी तक। इसका रेशियो निकाल लेते, ध्यान से देखना। तो देखो ए बराबर क्या आया, एक, ए बराबर क्या आया, तो यहाँ ए बराबर भी एक, और 2b प्लस 1 बराबर 5 है, 2b प्लस 1 बराबर 5 है, तो बताओ 2b बराबर 4, तो b बराबर 2, तो अभी यहाँ से हमको क्या निकला, a और b का रेशियो 1:2 निकला क्या, a बराबर 1, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो 2b प्लस 1 बराबर 5 है, तो 2b बराबर 4 हो जाएगा, और जैसे 2b बराबर 4 हुआ तो b बराबर 2 हो जाएगा, तो b बराबर 2 आया, अभी रुक जाओ इधर आ जाओ, c बराबर क्या है, 1, c बराबर 1, तो 2b प्लस 1 बराबर 5, तो यहाँ भी b बराबर क्या आया, 2, और c बराबर क्या आया, 1, तो b यहाँ भी 2 है, b यहाँ भी 2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a b और c 1:2:1, बोलो लिख सकते हैं क्या, और टोटल है 1200 किलोमीटर, टोटल क्या है 1200 किलोमीटर, तो हो जाएगा 2 1 3 1 4 3 1200, तो हमको पता चल गया ए डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 300 किलोमीटर, बी डिस्टेंस है 600 किलोमीटर और सी डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम के बारे में, क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम के बारे में, तो ध्यान से देखो टाइम के बारे में हम लोग निकालते हैं, टाइम, टोटल टाइम, तो जो सीधा है उसी के बारे में निकालो। देखो सलमान तांगा से गया और यहाँ से कार से यहाँ पहुँच गया ना, तो सलमान जब तांगा से जा रहा था तो 1 किलोमीटर गया था, तो 1 किलोमीटर गया, 300 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 30 घंटा, प्लस यहाँ पे बैठा b प्लस c कार से गया, तो b प्लस c क्या है 900, तो 900 किलोमीटर चला गया ये कार से 50 किलोमीटर पर आवर से, तो 18 घंटा ये 30 घंटा ये टोटल मिल जाएगा, तो 48 घंटा हो जाएगा आंसर। आया कुछ समझ में, या तुम इसको ऐसे भी बना सकते, देखो ना a प्लस b कार से गया अक्षय, तो 300 प्लस 900 900 गया कार से, तो 900 बटे 50, और उसके बाद साइकिल से गया 300, तो 300 बटे 10 30, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 48 घंटा। आया समझ में, चलो उतारो अभी इसको। देखो रेस का एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हम लोग यहाँ से, 122 नंबर का, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, शुरुआत देने का ये मतलब है कि उसको 5 सेकंड पहले दौड़ा दिया, 5 सेकंड किसी को शुरुआत देने का मतलब है कि 5 सेकंड उसको, मतलब इसके 5 सेकंड के बाद ये दौड़ना शुरू किया। अगर किसी को बोलेगा 100 मीटर का शुरुआत देता है, इसका मतलब उसको 100 मीटर पहले दौड़ा दिया, समझे, यही चीज़ है। देखो यहाँ पर 1000 मीटर की एक दौड़ में, 1000 मीटर का एक दौर है, 1000 मीटर का एक दौर है,
यानी एक किलोमीटर का एक दौर है, ए बी को 5 सेकेंड का शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी का स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड है, बी का स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान से देखना, और ए का स्पीड हमको पूछ रहा है, ठीक है, ए का स्पीड हमसे पूछा जा रहा है और बी का स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर, टोटल डिस्टेंस क्या है 1000 मीटर, तो बी को जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 1000/5 यानी 200 सेकेंड, बोलो लगेगा क्या? लेकिन 5 सेकेंड का शुरुआत ए दिया था किसको? बी को। देखो क्वेश्चन में एकदम क्लियर करके दिया हुआ, ए बी को 5 सेकेंड का शुरुआत दिया, मतलब समझे, 5 सेकेंड पहले इसको दोहरा दिया, 5 सेकेंड इसको दोहरा दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए को जो टाइम लगा होगा दौड़ने में वो 195 सेकेंड ही लगा होगा, 200 में से 5 सेकेंड हम लोग घटा देंगे, और 195 सेकेंड में अगर ये 1000 मीटर दौड़ता है तो इसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा 1000/195 मीटर प्रति सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो ये देख लो किससे कट जाएगा, 5 से अगर काटते हैं तो 5 3 15, 5 9 45, 5 2 10 0 0, 200/39। यहाँ पर हम लोग ए को दौड़ करने में कितना समय लगा, ए को दौड़ करने में कितना समय लगा, कटा नहीं क्या ये? अच्छा सीधा आंसर ही है, इसका स्पीड नहीं पूछ रहा है ना, चल ए का स्पीड नहीं पूछ रहा, यहाँ पर ए का स्पीड नहीं पूछ रहा और 195 सेकेंड यही पूछ रहा है कि ए को दौड़ करने में कितना समय लगा, तो हम लोग 200 में से क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, 195 सेकेंड हो जाएगा, खत्म हो गया। अगर इसका स्पीड पूछता तो क्या करते, 1000/195 कर देते, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। देखो ए जो है बी से 5/3 गुना तेज है, तो स्पीड इसका दिया हुआ 5:3, दोनों एक ही समय पे दौड़ को ख़त्म करते हैं जबकि 60 मीटर का शुरुआत दिया, तो 60 मीटर का शुरुआत दिया, टाइम हो गया कांस्टेंट, तो स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 5:3 ही हो जाएगा, और 60 मीटर का शुरुआत दिया इसका मतलब बी 60 मीटर कम दौड़ रहा है, 60 मीटर आगे कर दिया ना उसको, तो यहाँ से दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, अभी 2 = 60 मीटर, 2 = कितना मीटर, तो 1 = 30 मीटर, और बी तो 60 मीटर कम दौड़ा क्योंकि शुरुआत दिया गया, तो रियल कौन दौड़ा है, ए दौड़ा है, तो 5 = हम लोग निकाल लेते 150 मीटर, यानी दौड़ का जो लेंथ है वो कितना है 150 मीटर का। अगर यहाँ से भी निकालना चाहोगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, देखो ना 30 + 90 मीटर, और 60 मीटर का शुरुआत दिया था तो 90 में 60 को ऐड कर दिए तो आ गया 150 मीटर, उतारो अभी इसको। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी, ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी, ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल 1000 मीटर, हम लोग यहाँ पे बी को रख देते हैं, 1000 मीटर ही है, और 100 मीटर का शुरुआत दिया, इसका मतलब बी 900 मीटर ही दौड़ रहा है ना, और सी को 150 मीटर का शुरुआत दिया, ए जो है वो सी को 150 मीटर का शुरुआत दिया, ये डिस्टेंस 150 मीटर का हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा क्या, 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, अब बी और सी के बारे में तुलना करने के लिए कहा जा रहा है, तो ध्यान से देखो इसको दो तरह से बनाया जा सकता है, ए अगर दौड़ेगा 1000 मीटर तो बी दौड़ेगा कितना मीटर, 900 मीटर, तो सी दौड़ेगा कितना मीटर, 850 मीटर, बोलो दौड़ेगा क्या, समझ में आ रहा कुछ, ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा, एम यहाँ से हम हटा ही देते हैं, ठीक है, तो बी दौड़ेगा 900 मीटर और सी दौड़ेगा 850 मीटर। अब इस दोनों में बोल रहा तुलना करने के लिए, किस दोनों में, बी और सी, तो बी और सी में तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो बोला क्या कि अगर बी 1000 मीटर दौड़ेगा, अगर बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी को कितना मीटर का शुरुआत दे सकता है, तो हम सी के बारे में अगर पता लगा ले तो आंसर आ जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते, देखो ना, अगर बी 900 मीटर दौड़ रहा है तो सी को 50 मीटर पीछे, अगर बी 900 मीटर दौड़ेगा तो सी को 50 मीटर का शुरुआत दे सकता है, अगर बी 1 मीटर दौड़ेगा तो 50/900 मीटर का शुरुआत दे सकता है, अगर बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो 50/900 गुना क्या हो जाएगा 1000, बोलो होगा क्या, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 500/9 हो गया,
500/9 55.5/9 मीटर का शुरुआत दे सकता है। आ रहा कुछ समझ में? या नहीं तो हम लोग इसको रेशियो में भी चेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो इसको उतारो, अभी इसी से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का। 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात करो। देखो यहाँ पर 100 मीटर का एक दौड़ है जिसमें ए का स्पीड दिया हुआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 × 18 क्या हो जाएगा, 5/2 मीटर प्रति सेकंड। बोलो होगा क्या? अब टोटल डिस्टेंस ये कितना दौड़ रहा है, 100 मीटर दौड़ रहा है, कितना मीटर दौड़ रहा है, जबकि बी को 10 मीटर का शुरुआत दिया, 10 मीटर का शुरुआत दिया, इसका मतलब है 10 मीटर बी नहीं दौड़ रहा है, बी यहाँ से दौड़ना शुरू किया या 10 मीटर ये पहले ही दौड़ चुका है, तो इसका मतलब ए चला, अब बी को कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा, सिर्फ 90 मीटर दौड़ना पड़ेगा, कितना मीटर, बी को 90 मीटर दौड़ना पड़ेगा, उसके बावजूद 10 सेकंड से हरा दिया, तो 10 सेकंड से हराने का मतलब है ए जब पहुंचा उसके 10 सेकंड बाद बी पहुंचा, 10 सेकंड से हराने का क्या मतलब, ए जब पहुंचा तो बी जो है वो 10 सेकंड के बाद पहुंचा, तो पहले ए का टाइम निकाल लेते हैं, चूंकि टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा, 100/5/2, तो 5 से काटेंगे तो 20 × 20 = 40 सेकेंड, कितना सेकेंड, 40 सेकेंड, तो ए का टाइमिंग पता चल गया 40 सेकेंड, तो बी का टाइमिंग पता क्या चल गया, बी का टाइमिंग पता चल गया 40 + 10 = 50 सेकेंड, लेकिन इस 50 सेकेंड में तो ये 90 मीटर ही दौड़ रहा है ना, 10 मीटर तो दौड़ नहीं रहा शुरू में, तो इसका जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90/50 मीटर प्रति सेकेंड, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है या यही हो मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, 9/5 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। आ रहा तुमको समझ में, तुमको चलो उतार। देखो इंग्लिश वाला सही है थोड़ा, ठीक है, 126 नंबर का इंग्लिश वाला सही है, वहाँ पे जो हिंदी वाला 5 सेकेंड है उस 5 को काट करके 8 कर दो। अब 100 मीटर का एक रेस है 126 नंबर का, देखो 100 मीटर का एक रेस है, इसमें ए का स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, तो 25/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बोलो होगा क्या, बोला क्या कि 8 मीटर का शुरुआत देता है बी को, तो बी यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, यानी बी टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा, 100 मीटर में से 8 मीटर को माइनस कर देंगे तो बी के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 92 मीटर का। बोलो होगा क्या, बोला फिर भी 5-8 सेकंड से हराता है, कितना सेकंड से, 8, तो पहले हम लोग इसका टाइम निकाल लेते ए का, तो 100 मीटर दौड़ रहा है इस स्पीड से 25/18 के स्पीड से, तो टोटल इसको लग गया 72 सेकंड। बोलो लगा क्या, और जबकि इसको 92 मीटर दौड़ने में 72 को क्या करेंगे हम लोग, 8 सेकंड में ऐड कर देंगे, क्योंकि 8 सेकंड के बाद पहुंचेगा, तो 80 सेकंड। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बी बराबर हो जाएगा 92/80, तो काट दोगे तो ये हो जाएगा 23/92 और 80 हो जाएगा 20/80, इसका आंसर आ जाएगा 23/20 मीटर प्रति सेकेंड। रेस का लास्ट क्वेश्चन देखो, एक किलोमीटर की दौड़ में 127 नंबर का क्वेश्चन है, एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर की शुरुआत देता है तथा आधे किलोमीटर की दौड़ में सी ए को 50 मीटर से हराता है, तो पहले तो ये डेटा दे दिया और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन इस पे दिया है, ठीक है, कि यदि ए बी तथा सी 2 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा ले तो दोनों हारने वाले के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर ज्ञात करें जबकि जीतने वाला दौड़ समाप्त कर चुका। तो यहाँ पे देखो, एक किलोमीटर की दौड़ में टोटल अगर एक किलोमीटर का दौड़ हो तो ए बी को 20 मीटर का शुरुआत देता है, ठीक है, तो ए बी को 20 मीटर का शुरुआत देता है, अगर ए दौड़ता है 1000 मीटर ऐसा समझ के चलते हैं, तो बी दौड़ता है मात्र कितना मीटर, 20 मीटर का शुरुआत दिया तो 980 मीटर, सही है ना, और बोला आधे किलोमीटर की दौड़ में अगर आधा किलोमीटर का दौड़ हो, आधे किलोमीटर की दौड़ हो तो उसमें क्या सब होता है, उसमें बोला सी ए को 50 मीटर से हराता है, सी ए को 50 मीटर से हराता है, मतलब सी अगर
टोटल आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर दौड़े तो ए 50 मीटर पीछे रह जाता है, तभी तो हारेगा ना, तो 450 मीटर ही दौड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस दोनों का रेशियो दे दिया, इस दोनों का रेशियो दे दिया, रेशियो नहीं दिया मतलब कि डिस्टेंस दे दिया, कौन कितना कैसे दौड़ सकता है। अब बोला क्या, अच्छा एक बात बताओ, इस तीनों में से कोई बता सकता है सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है? सी। बी को हराया ए और ए को हराया सी, तो सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है? आ रहा समझ में क्या? तो सी दौड़ रहा है सबसे फास्ट। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 2 किलोमीटर की दौड़ में जो सबसे फास्ट है वो अगर पहुंच गया, दौड़ पूरा कर लिया, तो ये बताना है कि जो दो स्लोअर है, जो दोनों हारा है लूज़र, उस दोनों ने कितना डिस्टेंस तय किया, उसका डिफरेंस निकालिए। क्वेश्चन यही है ना, अभी देखो ध्यान से। तो सी को दौड़ा देते हम लोग 2 किलोमीटर, सी को दौड़ा दे कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ध्यान से देखो, तो सी को दौड़ाएंगे 2 किलोमीटर तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से गुना कर दो। तो सी दौड़ेगा अगर 2 किलोमीटर दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा, या हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000 मीटर, तो ए दौड़ जाएगा 1800 मीटर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सी के साथ हम लोग तुलना करना था किसके किसके, बी का। देख ठीक है, या ऐसे करके भी समझ लो, सी के साथ तुलना करना था, या हम इसको ऐसा करते हैं रेशियो निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, रेशियो निकाल लो ए बी, ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा, अगर 0-0 काटेंगे और 2 से काटेंगे तो ये 49 होगा और ये 50 होगा, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। सी और ए का रेशियो निकालते हैं, सी और ए का रेशियो निकालते हैं, तो ये 450 0-0 कटेगा, ये 9 और 10 हो जाएगा, बोलो होगा क्या? अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस दोनों में कॉमन कौन है, ए कॉमन कौन है बोलो, ए। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, 50 है 9 है, इसमें 9 से गुना कर देते हैं और इसमें 50 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। देखो ध्यान से, ए ए दौड़ेगा 450, ए कितना दौड़ेगा 450, बी दौड़ेगा 49 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 50 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो 450, और 450 में से 9 को माइनस कर दो, तो बी दौड़ जाएगा कितना, 450 में से 9 को माइनस करेंगे 441। ठीक है, और सी सी हो जाएगा 500 मीटर, तो फास्टर कौन है यहाँ पे, ये पता तो चल गया ना, पता चल गया। अब हम लोग इसको 2 किलोमीटर दौड़ा देते हैं, तो 4 से गुना करेंगे, क्योंकि फास्टर पहले तो यही पहुँचेगा, और इसको भी 4 से गुना और इसको भी 4 से गुना, तो अब इसका काम ख़त्म, ये 2000 मीटर दौड़ा, काम इसका ख़त्म हो गया। अब ये कितना दौड़ा और ये कितना दौड़ा, तो इस दोनों का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस का जो दूरी तय किया गया उसका अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग इसका अंतर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे अंतर, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 4-4 कॉमन और 450 में से 441 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 4 × 450 माइनस 441 9 बराबर क्या आ जाएगा 36 मीटर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36 मीटर। आया समझ में, अगर दोनों का डिस्टेंस पूछता तो हम गुना कर देते, ये हो जाता 1800 और 1800 में से 36 को माइनस यहाँ पे कर देते तो ये हो जाता 1764 मीटर, समझे? ये भी ऐसा भी होता। चलो उतारो अभी, चलो आज हमारा जो है टाइम एंड डिस्टेंस और रेस का पूरा एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 127 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसमें से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही हम नहीं बताए होंगे, नहीं तो सारा क्वेश्चन बताया जा चुका है, एक एक क्वेश्चन, और इसका वीडियो भी तुम लोगों को उपलब्ध है ना, इसका वीडियो भी तुम लोग देखते रहना, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और एक भी टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा और तुमसे नहीं आएगा, अगर ये सारा पढ़ चुके हो तो। अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम में भी हम लोग 23-24 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, और उसमें भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम।